ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये उन 7 लाख लोगों की कहानी है जिन पर 1944 में हिटलर के लेबर कैंप्स में बेतहाशा जुल्म किया गया। उन 7 लाख लोगों में से 3 लाख लोग कभी घर नहीं लौटे। 70 साल तक इस कहानी को जानबूझकर पूरी दुनिया से छुपाया गया। अगर आप मेरी तरह ज्यादा इमोशनल हैं, तो प्लीज इस मूवी को देखते समय आंसुओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2018 में रिलीज हुई मूवी इटर्नल विंटर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। कहानी की शुरुआत 1944 से होती है, जब हंगरी में सोवियत का राज था। इस समय में हम एक फैमिली का सीन देखते हैं जो क्रिसमस मना रही थी। इस फैमिली में हम इरिन, उसके माता पिता और उसकी छोटी बेटी को देखते हैं। इरिन के पति को जंग में अपनी फैमिली से दूर रहते हुए बहुत टाइम बीत चुका था। इरिन की बेटी कहती है कि वो लोग खुशियां क्यों मना रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि इरिन का पति और मेरा बाप अब कभी वापस नहीं आएगा। वो अपने पिता का चेहरा धीरे धीरे भूलने लगी है। इस बात पर इरिन को गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को थप्पड़ मारती है, जबकि इरिन को खुद भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि किसी हद तक उसकी बेटी एगी सही कह रही है, क्योंकि इरिन भी अब धीरे धीरे अपने पति का चेहरा भूलने लगी थी। अगली सुबह इरिन के घर पे एक पोस्टमास्टर आता है जो अपने साथ एक ऐसी खबर लाता है जिससे इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। सोवियत आर्मी उन सभी लोगों को बंदी बना रही थी जिनके पूर्वज जर्मनी से थे। इरिन भी इन्हीं लोगों में से एक थी। उसे भी अब लेबर कैंप में जाना पड़ेगा और उसे ये बात भी पता थी कि लेबर कैंप से वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट फिर भी वो अपनी बेटी एगी से वादा करती है कि एक दिन वो जरूर वापस आएगी। इसके बाद इरिन बाकी लोगों के साथ सोवियत के लेबर कैंप की तरफ निकल जाती है। रास्ते में वो देखती है कि सोवियत सिपाही बाकी लड़कियों के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। रास्ते में ही इरिन की मुलाकात एक छोटी लड़की से होती है जो बेचारी बोल नहीं सकती। वो दूसरों के साथ लिखकर बात करती है। वो इरिन को अपना नाम एना बताती है। एना को भूख लग रही थी, इसलिए इरिन उसे थोड़ा खाना देती है। कई घंटों के पैदल सफर के बाद ये सभी लोग एक ट्रेन के पास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से लेबर कैंप तक इन्हें ट्रेन में ले जाया जाएगा। ट्रेन के पास दो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बिना कुछ सोचे गोली मार दी जाती है। इस इंसिडेंट से इरिन और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इन्हें भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में भर दिया जाता है। ट्रेन में सफर के दौरान इन सभी औरतों की जान पहचान हो जाती है। ट्रेन के सफर में इरिन एना का ऐसे ख्याल रखती है जैसे वो उसकी अपनी बेटी है। कई दिनों तक सफर के बाद आखिरकार ये लोग सोवियत के लेबर कैंप में पहुंच जाते हैं। सोवियत सिपाही इन पर बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं। अगर कोई उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे टॉर्चर करते हैं, और ऐसा ही सुलूक पहले दिन पर इरिन के साथ किया जाता है। लेकिन सही टाइम पर एवा नाम की एक लड़की इरिन को बचा लेती है। अब तक इन सभी को समझ आ चुका था कि ये लेबर कैंप किसी जहन्नुम से कम नहीं है। लेबर कैंप के अंदर जाते ही सभी लोगों के कपड़े उतार कर उन्हें चेक किया जाता है। ये अभी सिर्फ पहला पड़ाव था, आगे इनके साथ बहुत कुछ होने वाला था। अब इन सभी औरतों को एक ही कमरे में रखा जाता है और खाने में इन्हें सिर्फ ब्रेड और पानी दिया जाता है। अगले दिन एवा नाम की एक लड़की को सोवियत सिपाही ट्रांसलेटर बना देते हैं, और इन सभी लोगों से कहा जाता है कि यहाँ पर उन्हें तब तक माइनिंग का काम करना पड़ेगा जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती। अब अगले दिन इन सभी लोगों को कोयले की एक खदान में काम करने के लिए भेजा जाता है, जहां पर इरिन की मुलाकात रामन नाम के एक आदमी से होती है। इस खदान में इरिन एना के साथ ही काम करने का फैसला करती है, जबकि उसके साथ उसे पूरे दिन झुककर काम करना पड़ता है। इरिन एना का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। पहले ही दिन उन्हें अपना कोटा पूरा करने में देर हो जाती है। ये दोनों जब रात में वापस कैंप में आते हैं, तब तक वहां सारा खाना खत्म हो चुका था, और आज रात
इन दोनों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। अगले दिन भी इरिन के साथ सेम सिचुएशन होती है, फिर से उसे टारगेट पूरा करने में टाइम लग जाता है और फिर से उसे और ऐना को भूखे पेट सोना पड़ता है। तीसरे दिन खदान में इरिन अपने जैसे ही एक लेबर से बात करती है कि उन्हें टारगेट पूरा करने में टाइम लगेगा। वो उनके लिए खाना बचाकर रखने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी इरिन से इसके बदले उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है। इसलिए इरिन को मजबूरी में ऐना से अलग होकर काम करना पड़ता है और अब की बार वो अपने टारगेट को सही टाइम पर खत्म करती है। और कैंप में आने के बाद आज वो तीन दिन के बाद खाना खाती है। देर रात ऐना कैंप में आती है और रोज की तरह उसे आज भी देर हो गई थी और आज भी उसके लिए खाना नहीं बचा था। भूख के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी, वो भूखे पेट ही सोने लगती है, लेकिन इरिन उसे खाना देती है। दरअसल इरिन ने उसके लिए खाना बचा कर रखा था। रामन को इरिन बहुत पसंद आ गई थी और इस कैंप में रामन की बहुत चलती थी, इसलिए यहाँ रहने में अब इरिन को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, क्योंकि सबसे छुपकर इनडायरेक्टली रामन इरिन को आराम देता था। वहीं दूसरी तरफ एवा अब ट्रांसलेटर बनने के बाद ज्यादातर टाइम सोवियत सिपाहियों के साथ ही रहती थी और इस कारण से उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था। अब अगले दिन खदान में काम करने की वजह से ऐना की तबीयत खराब हो जाती है। इरिन उसे इलाज के लिए लेबर कैंप के हॉस्पिटल में ले जाती है, लेकिन वहां पर ऐना को इलाज नहीं मिलता, इसलिए अब इरिन उसे वापस अपने कमरे में लाकर उसका ख्याल रखती है। लेकिन अगले दिन काम पर जाने के टाइम पर सोवियत सिपाही ऐना को जबरदस्ती काम पर भेज देते हैं, जबकि ऐना में अब खुद से चलने की ताकत भी नहीं बची थी। अब खदान में इरिन एक ट्रक ड्राइवर से मिलती है और उसे ऐना के लिए बाहर से दवाई लाने के लिए कहती है, लेकिन वो ड्राइवर इरिन से रिश्वत में एक घड़ी मांगता है। इरिन के पास घड़ी नहीं थी, इसलिए वो उस ड्राइवर को अपनी शादी की रिंग दे देती है और देर रात तक ऐना और इरिन खदान में दवाइयों का इंतजार करते हैं, लेकिन वो ड्राइवर दवाई लेकर वापस नहीं आता। अब रात में खदान के गार्ड के कहने पर इन दोनों को खदान से निकलना पड़ता है। ये दोनों बाहर बर्फ में उस ड्राइवर का इंतजार करते हैं। बहुत ज्यादा ठंड की वजह से ऐना की तबीयत और भी बिगड़ जाती है और ऊपर से अब भेड़िये इन्हें घेर लेते हैं। थोड़ी देर बाद ऐना सर्दी में अपना दम तोड़ देती है। उसकी मौत से इरिन को बहुत दुख होता है, वो बहुत रोती है। अभी भी वो ऐना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो उसकी लाश को खींचते हुए लेबर कैंप की तरफ ले जा रही थी, लेकिन भेड़ियों की वजह से थोड़ी देर बाद उसे ऐना की लाश को वहीं पर छोड़ना पड़ता है। वो लेबर कैंप में आकर सिपाहियों से ऐना की लाश को कैंप में लाने के लिए कहती है, लेकिन वो सिपाही उसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें मनाने के चक्कर में इरिन के हाथ में एक सिपाही की राइफल आ जाती है। ये देखकर दूसरा सिपाही उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब इरिन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक काल कोठरी में पाती है। इरिन को वहां पर सजा के तौर पर कैद किया गया था। अब यहाँ बहुत टाइम तक रहने के बाद इरिन अपनी बेटी, अपने पति और अपने घर को हेलुसिनेट करने लगती है। यहाँ कुछ दिन रहने के बाद इरिन को भी ऐना की तरह सेम बीमारी लग जाती है। उसे भी डॉक्टर के पास इलाज नहीं मिलता और बाकी लोगों के साथ उसे भी मरने के लिए डाल दिया जाता है। लेकिन इरिन को काम पर ना देखने के बाद रामन उसे ढूंढने लगता है। बहुत टाइम तक ढूंढने के बाद रामन को इरिन एक कमरे में मिल जाती है, जहां पर बहुत सारे बीमार लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। रामन इरिन को वहां से निकालकर वापस हॉस्पिटल में लाता है और डॉक्टर को रिश्वत में सिगरेट देकर इरिन का इलाज करवाता है। और हॉस्पिटल में ही पहली बार इरिन और रामन एक दूसरे से बात करते हैं। इरिन को रामन का इस तरह उसका ख्याल रखना अच्छा लग रहा था, इसलिए वो रामन से पूछती है कि आखिर रामन उसका ख्याल क्यों रख रहा है। रामन कहता है कि वो इरिन को पसंद करता है, वो इरिन को किस करता है और उसके नजदीक आने की कोशिश करता है, लेकिन इरिन उसे रोक लेती है और कहती है कि वो अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। इस बात पर रामन कहता है कि उन लोगों का यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, इसलिए इरिन को
यहाँ पर रहना सीखना होगा। उसे अब इसी जगह को अपना घर बनाना होगा। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में इरिन को उसके डॉक्टर से पता चलता है कि हिटलर की मौत हो गई है और अब सभी लोग यहाँ से वापस अपने घर जा सकते हैं। ये बात सुनकर इरिन बहुत खुश हो जाती है। वो हॉस्पिटल से निकलकर अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। वो अभी वहां से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी वहां पर सभी लोग वापस आ जाते हैं और इरिन को बताते हैं कि हिटलर की मौत के बाद सोवियत प्रेसिडेंट स्टालिन ने ऑर्डर दिया है कि सभी बंधुआ मजदूरों को लेबर कैंप में ही रहकर अभी भी काम करते रहना होगा। ये बात सुनकर इरिन बहुत उदास हो जाती है। उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है। अगले दिन खदान में इरिन रामन से मिलती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से भागना चाहती है और अपनी बेटी से मिलना चाहती है। रामन उससे कहता है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, उसे यहाँ पर रहना सीखना होगा। रामन इरिन को सिगरेट बनाना सिखाता है। वो उसे बताता है कि यहाँ पर सिगरेट को रिश्वत में देकर इरिन अपना कोई भी काम करवा सकती है। साथ ही वो इरिन को बताता है कि इरिन को यहाँ रहने के लिए दूसरों के बारे में सोचना छोड़ना होगा, उसे सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। रामन इरिन को और भी कॉन्फिडेंट बना देता है। अब यहाँ पर इरिन की जिंदगी अच्छे से गुजरने लगती है। एक दिन एवा इरिन के पास आती है। दरअसल उसे भी वही बीमारी लग गई थी जिसके बाद सोवियत सिपाहियों ने उसे अपने पास से निकाल दिया था। वो इरिन से अपनी बीमारी के लिए दवाइयां मांगती है, लेकिन इरिन अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो एवा की हेल्प करने से मना कर देती है, जिसके बाद एवा को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ता है। इरिन अब ज्यादातर टाइम रामन के साथ ही रहती है और एवा ये सब नोटिस कर लेती है, लेकिन वो उनके बीच नहीं आती। एक दिन खदान में एक एक्सीडेंट होता है जिसमें रामन जख्मी हो जाता है। इरिन भी रामन की हेल्प करती है जिस तरह रामन ने इरिन की हेल्प की थी। इरिन हॉस्पिटल में डॉक्टर को रिश्वत देकर रामन का इलाज करवाती है और साथ ही उसका ख्याल रखती है। इसी बीच इरिन को रियलाइज होता है कि वो भी रामन से प्यार करने लगी है। उनके इस अफेयर को कंटिन्यू करने में एवा उनकी बहुत हेल्प करती है और एवा की हेल्प के बाद ही रामन और इरिन एक दूसरे के साथ कैंप में ही इंटीमेट हो जाते हैं। और यहाँ कहानी 4 साल आगे बढ़ जाती है। अब इन सभी ने इस कैंप को अपना घर बना लिया था। अब ये लोग यहाँ पर पहले से बहुत खुश थे। एवा ने अब एक बेटी को जन्म दिया था जिसे एवा और इरिन मिलकर संभालते थे। लेकिन अब यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। इन सभी को खबर मिलती है कि अब इन्हें इस लेबर कैंप से आजाद किया जाएगा, यानी अब इनकी लाइफ फिर से बदलने वाली थी। ये खबर सुनकर इरिन और एवा बहुत खुश हो जाती हैं और वो खुशी के मारे रोने लगती है। और अब ये सभी लोग अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। रामन और इरिन एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन रामन को पता चलता है कि हंगरी में वो जिस जगह रहता था वो अब यूगोस्लाविया का हिस्सा बन चुका है और इसी वजह से अब वो हंगरी में नहीं रह सकता। उसे यूगोस्लाविया जाना होगा, यानी वो कभी इरिन से नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर एक सिपाही उसे बताता है कि अगर वो दोनों हंगरी में रहना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पहचान जर्मन बतानी होगी। अब ये समय इरिन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, क्योंकि उसे डिसाइड करना था कि वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती है या रामन के साथ। पहचान बताने के टाइम पर रामन ऑफिसर्स को अपनी पहचान जर्मन बताता है और जर्मनी जाने वाली ट्रक में बैठ जाता है और इरिन का इंतजार करने लगता है। कुछ टाइम के बाद ट्रक वहां से निकलने लगता है। रामन को लगता है कि इरिन नहीं आएगी, लेकिन इरिन सही टाइम पर वहां से बाहर आती है और ट्रक का पीछा करने लगती है। रामन ट्रक को रोक लेता है, लेकिन इरिन ट्रक में नहीं बैठती बल्कि वो रामन को एक लेटर देती है और रामन को हमेशा के लिए अलविदा कहती है। लेटर में इरिन ने रामन को उसे इतना प्यार करने के लिए शुक्रिया कहा था। ये लेटर पढ़कर रामन बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इन 4 सालों में उसे इरिन से बहुत प्यार हो गया था। अब फाइनली इरिन अपने घर पहुंच जाती है, जहां वो अपने माता पिता से मिलकर खुश भी होती है
और रोने भी लगती है। घर आने के बाद इरिन को पता चलता है कि उसके पति की जंग में मौत हो गई है। वो अब कभी वापस नहीं आएगा। और अब आखिरकार इरिन उस वादे को पूरा करती है जो उसने आज से कई साल पहले अपनी बेटी से किया था कि वो एक दिन जरूर वापस आएगी। अपनी बेटी से मिलकर इरिन बहुत खुश हो जाती है। और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इस कहानी को भरपूर एंजॉय किया होगा, आपको इसे देखने में मजा आया होगा। तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं क्योंकि इनके द्वारा हमें आपके फीडबैक का पता चलता है। और अगर आप ऐसी ही मूवीज को रोज देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।